तो यहाँ पर कैमरामैन कावेद हदीस के साथ पत्रकार नीव शर्मा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीव और आज मैं आपको मिलूंगा हिंदुस्तान तक यूट्यूब क्या न्यूज चैनल। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी हम लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, वापस हमारी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, रात को यहाँ पे बहुत अच्छे से नाच गाना किया, धूमधाम से हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोग को एक न्यूज़ पता लगी कि रात को भगदड़ मच गई थी, इतनी ज़्यादा लोग जो है यात्री वहाँ पे लड़ लिए, झगड़ लिए, जिसके वजह से कम भी 12-13 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं। मतलब 12-13 लोग तो मर गए हैं और कुछ लोग घायल है, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी हम लोग को। हमारा भी जाने का वो थोड़ा बहुत डवाडोल था मामला, लेकिन अभी आगे पता किया है कि ठीक है सब कुछ, यात्रा अभी बंद है। तो इट मीन्स कि जो लोग यहाँ पे हैं आधे रास्ते पे, वो अपना रास्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो लोग नीचे से आ रहे हैं उनके लिए एंट्री नहीं है। राइट मनु जी? जी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यात्रा के लिए। जय माता दी सभी को। इस वीडियो को पूरा देखना, यहाँ तक देखा तो थोड़ा सा और अर्धकुंवारी तक देखना, उसके बाद में अपन नेक्स्ट व्लॉग में स्विच कर लेंगे। चेक करा है सर वाली दा। चलो अभी हम लोग अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं और यहाँ से देखो पूरा पूरा कटरा दिख रहा है। लास्ट टाइम की तरह अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ से आप लोग को दिखा पा रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, अभी भी पहुँचने ही वाले हैं हमारे। मेरा भाई यहाँ है, विशाल जी यहाँ, नीव यहाँ, गौरव जी यहाँ, अभी चढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हमारे लिए अर्धकुंवारी भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना है। गौरव जी के पास बच्चा है और दिल थक गया है, भाई साहब हालत खराब हो गई इस बार तो। लेकिन जलता जाती जा रही, आती जा रही है। और भाई साहब इधर का सीन देखो आप, फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अंबाली का पहुंच गए, एक स्टॉप है, पहुंच गए हैं लगभग। और यहाँ से अर्धकुंवारी है अभी तो काफी दूर, चढ़ाई करते जा रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली। हमारे साथी पीछे आ रहे हैं, साथी भी वो वहां पे है। सो फ्रेंड्स हम लोग अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। अर्धकुंवारी माता जी का जो मंदिर है वो आप लोग को ऊपर की साइड में दिख रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं सीडीओ के रास्ते से, डिसीजन चेंज कर लिया है गौरव जी और पैदल आ रहे हैं बिकॉज उनके साथ में बच्चा है। और मन्नू भैया ऊपर पहुंच चुके हैं, मन्नू भैया से मेरी बात हुई है। इस बार हमारे पास एक पोस्टपेड है नीव के पास, तो हमें इस बार टेंशन नहीं है। इजीली हम लोग अर्धकुंवारी जाके एक बहुत बड़ी अपडेट देंगे जो कि शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोग को मिलेगी, वो इस वीडियो से पहले ही आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्धकुंवारी का जो भी सीन रहेगा वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देखना, अभी चढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं हम लोग भी। स्टे ट्यून्ड विद दिस व्लॉग। फाइनली हम लोग को मन्नू जी दिख गए हैं, मैं जा रहा हूँ मन्नू जी के पास में डायरेक्टली। ये देखो ये रे हमारे मन्नू जी, ये रे हमारे मन्नू जी। आप तो बड़े सुपर फास्ट हैं यार। ऐसे ही है, सुपर फास्ट बनना पड़ता है। हाँ देखो कितना लेके आए साथ में, बाजू हम सीढ़ी वाला रास्ते से आए सामान लेके चलो। ये चढ़ाई देखो गाइस, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई। बहुत लंबा सर्कल है जिसको हमें कवर करना पड़ेगा। मनु भी आगे जा रहे हैं, नीर यहाँ पे है। हमारे चिन्नू जी यहाँ पर बड़ी आनंद ले रहे हैं इस यात्रा का, मजा आ रहा है। आनंद आनंद इतना आनंद इतना आता नहीं है, उतना आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मनु जी उल्टे चल रहे हैं, बताओ मजा आता है। पीछे पहाड़ियाँ की जो वादियाँ हैं, पहाड़ की वो एक अलग ही है, सुंदर सुंदर ये पहाड़। त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं सोडा पीने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग ने गोल गप्पों का और सोडे का बढ़िया आनंद लिया। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई।
सो वो रहे अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर, वहाँ पर है। और चेक पोस्ट हमने क्लियर कर ली है, अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर। अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर इधर है, हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है और नीव यहाँ है, बाकी सब लोग इधर है, चिनू जी इधर, मनु जी इधर, और कुछ ऐसा वादियों का नज़ारा हम लोग ले रहे हैं। और जो माँ वैष्णो देवी का दरबार है वो है सामने, जो आप लोग टावर देख रहे हैं उसके उधर की साइड में, उस टावर के भी उधर की साइड में। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी सीनरीज दिखाऊंगा आप लोग को, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देखा, तो थोड़ा सा क्लिप और देख लेना। फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं अर्धकुंवारी माता के इधर, हम लोग पहुँच गए हैं, पीछे आप लोग मंदिर देख पा रहे होंगे। और यहाँ से लास्ट टाइम जो मैंने व्यू दिया था वो सेम व्यू मैं यहाँ से भी आप लोग को दे सकता हूँ। तो ये देखिए भाई, इस बार सर्दियों का व्यू है, नीचे क्लाउड्स तो इतने ज़्यादा नहीं है बट फॉग बहुत ज़्यादा है, कटरा पूरा दिख रहा है, रेलवे स्टेशन वगैरह, ऊपर का मौसम भी ठीक है और हल्की हल्की ठंड भी अभी बढ़ने लगी है। ठंड लग रही है? नहीं लग रही। तो दोपहर के 2:30 बजे अर्धकुंवारी माता के यहाँ का एरिया कुछ ऐसा, मौसम ऐसा, धुंध इतनी ज़्यादा हो गई है, फॉग पूछो नहीं भाई साहब, दिख तो रहा है लेकिन ठंड महसूस हो रही है हाथों में और हर जगह पे। तो होपफुली मेरा आज वाला ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल अपने और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कावेद आदित्य व्लॉग्स। हम लोग थे अर्धकुंवारी माता के इधर, यहाँ से हमारा दूसरा एपिसोड चालू हो रहा है जिसमें हम लोग अर्धकुंवारी माँ से माँ वैष्णो देवी के दरबार तक जाएंगे। फुली तैयारी हो गई है, दस्ताने वगैरह पहन रखे, एक हाथ मेरा यहाँ पर है और ठंड के कपड़े पहन लिए। ठंड यहाँ पे है तकरीबन 3 बजे, 3 बजे भी भयंकर ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बादल हो रखे हैं, बादल हो रखे हैं, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पर। तो चलते हैं, यात्रा कंटिन्यू करते हैं हमारी। बोलो जय माता दी, जय करा श्री जय। तो फ्रेंड्स ये जो गुफा दिख रही है, इस गुफा के अंदर से जाने वाले हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, मौसम आप लोग देख सकते हैं फुली फॉग हो रखा है इधर, ठंडा मौसम, हाथों में दस्ताने, कोट, जैकेट और हुडीज वगैरह सब कुछ डाल के फिर भी हल्की हल्की ठंड हम लोग को महसूस हो रही है यहाँ पर। अभी हम लोग ये गुफा से निकल रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ और मनु जी यहाँ पर पत्रकार बने हुए आज पूरे। अभी हम निकल रहे हैं माँ वैष्णो देवी द्वार से, हिंदुस्तान तक से है। निकल गए हैं, हिंदुस्तान तक रहना है हमें। पत्रकार मनु अग्रवाल, अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी से माँ वैष्णो देवी के भवन में। हाँ तो लगाओ जयकारा, जयकारा श्री ये देखो बंदर मामा से भी हमारी मुलाकात हो गई है, देखो छेड़ना मत उसको। तो यहाँ पर कैमरामैन कावेद आदित्य के साथ पत्रकार नीव शर्मा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीव और आज मैं आपको मिलूंगा हिंदुस्तान तक YouTube क्या न्यूज चैनल। तो यहाँ का मौसम बताते हैं, यहाँ का मौसम हो रहा है एकदम क्लाउडी, फुल क्लाउडी, ऐसा लग रहा है बारिश आएगा, अगर बारिश आएगा तो मनु आ रहा है। देखो भाई साहब खतरनाक ढलान, मनु जी का ब्रेक नहीं लग रहा, आराम से इधर रुक जा, रुक जा रुक जा। जय माता दी भक्तों, जय माता दी भक्तों। आपको बता दें कि अभी हमारा जो जत्था था वो अर्धकुंवारी से रवाना होकर 1 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी यहाँ जो भी कैंटीन देख रहे हैं शाइन बोर्ड की, वहाँ मौजूद हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो लगभग 5:15 हुए हैं और दिन ढलने की कगार पर आ गए और हम लोग कंटिन्यूसली हमारी चढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे मेंबर्स कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस वो सामने वाली चढ़ाई हमें अभी चढ़नी है। जय मां पिंडी वाली।
फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ से माता रानी का जो टेंपल है वो है 3 किलोमीटर दूर। हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैकिंग कर रहे हैं और चढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, और इस बार तो खच्चर भी नहीं है, रास्ता चेंज हो गया है, ये नए वाला रास्ता है तो इधर की तरफ ही नहीं हो रहा, सो कंटिन्यूसली चढ़ते हैं। इसमें ठंडी तोड़ दी है सब, हमारे सबके सब मेम्बर्स जो है आगे चले गए हैं, हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे आगे ही होंगे। हम माता के भवन पहुंचने वाले हैं, तकरीबन यहाँ से 700 मीटर बचा होगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस पूरे का पूरे रूट में। आगे का जो भी रहेगा आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और टाइम वो है 5:45, हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी है। फाइनली हम लोग को दरबार दिख गया है, माता रानी का मंदिर दिख गया है, माता रानी का भवन दिख गया है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हम लोग को और ट्रैकिंग करनी है, तो जल्दी से करते हैं हमारी ट्रैकिंग कंटिन्यू। हम लोग पहुंच गए हैं मनु भैया के पास में, यहाँ देख लो हमारी ध्वजा, हमारे लगभग सभी के सभी मेंबर्स यहीं पे हैं, और जो रहे हुए थे वो आ गए हैं, और कुछ रहे हुए वो आ जाएंगे।